मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इजी और क्विकली बनने वाले पाव सैंडविच की रेसिपी। ये नॉर्मल सैंडविच से थोड़ा अलग होता है और टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। इसे आप जिसको भी घर पर खिलाएंगे हर किसी को पसंद आएंगे और वो दोबारा इस सैंडविच की डिमांड करेंगे। इसके लिए पहले स्टफिंग रेडी करेंगे। एक कढ़ाई में 1 टीस्पून बटर डालेंगे, ऐड करेंगे 3 से 4 चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, बोनलेस चिकन छोटे पीसेस में कट किया हुआ 100 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार। इसे हम अच्छे से मिक्स करके कवर करके 5 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। ऐड कर रही हूँ 1 प्याज रफली चॉप किया हुआ कैप्सिकम 2 से 3 टीस्पून। ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिक्स लेंगे इसे अच्छे से। ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब इसे मिक्स करके हम गैस ऑफ कर देंगे। अब पाव लेंगे, इसे मिडिल से कट कर लेंगे। एक अंडे लेंगे, इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और हरी मिर्च और चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। इसे हम बीट कर लेंगे। अब पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और पाव को सेक लेंगे। सेक कर पाव को निकाल लेंगे। डालेंगे 1 टीस्पून तेल। तेल गर्म होने पर डालेंगे बीट किया हुआ अंडा। उस पर रखेंगे हम सेके हुए पाव। अच्छे से प्रेस करके इसे फ्लिप कर लेंगे। अब एक साइड रखेंगे चिकन की स्टफिंग। इसके ऊपर डालेंगे मोजरेला या प्रोसेस चीज। अब इसे साइड से हम फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से और थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए और साइड के बन को बन से कवर कर देंगे और प्रेस करके सेक लेंगे। हमारा यम्मी डिलीशियस पाव सैंडविच रेडी है। ट्राई करें इसे टी टाइम या ब्रेकफास्ट में। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।